सुनिए देश पॉलिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया 2023 के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये है भारत के राष्ट्रीय दलों को लेकर, और ये एक चैप्टर के रूप में भी आपको क्लास 10th की सिविक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे भी पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है उसके लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, उनके जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल से आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो किसी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका एक बड़ा ही सिंपल या बड़ा ही कॉमन एक फिनोमिना होता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि पार्टी सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है उसके अंदर राजनीतिक दल होना काफ़ी सामान्य सी बात है। लेकिन जो राजनीतिक दल होते हैं वो उनके स्टेटस या उनकी रिकग्निशन के बेसिस पर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे अगर मैं भारत की, क्योंकि हम यहाँ पर भारत के ही कंटेस्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भारत की ही अगर बात करूँ तो भारत के अंदर बेसिकली तीन तरीके के जो दल हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जिसमें कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, स्टेट पार्टीज़ होती हैं, या अनरिकग्नाइज पार्टीज़ भी होती हैं। तो इस तरीके से दो चीज़ें हम यहाँ पर समझी कि भाई किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फैक्टर होता है। और भारत जैसे देश के अंदर लगभग हमें तीन तरीके की पार्टीज़ देखने को मिलती है, जिसमें नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी एंड अनरिकग्नाइज्ड पार्टी। आगे चलते हुए यहाँ पर हमारे पास 2023 को के कुछ स्टैट्स यहाँ पर हमारे सामने हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। हिंदुस्तान के अंदर 2023 और या फिर अभी भी हम जब 2024 के अंदर बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर टोटल जो नेशनल पार्टीज़ की जो संख्या है वो है 6। या आपको देखो, हर चीज़ ना तो रटने की होती है ना हर चीज़ समझने की होती है, तो यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे यहाँ वो कितनी हैं, 6। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 56 जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ की संख्या जो है वो हमारे यहाँ 56 है, जबकि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 6 हैं। इसके साथ साथ 2796 हमारे यहाँ अनरिकग्नाइज पार्टीज़ भी हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसका क्लासिफिकेशन अगर हमने देखें यहाँ पर, तो 6 हमारे पास नेशनल पार्टीज़ रहीं, 56 हमारे पास स्टेट पार्टीज़ रहीं, और 2796 हमारे पास अनरिकग्नाइज पार्टीज़ रहीं। देखिए, किसी भी पार्टी का नेशनल पार्टी होना या उसका स्टेट पार्टी होना या उसका अनरिकग्नाइज पार्टी होना, इनमें एक बड़ा अंतर है। जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का क्या मिलता है, दर्जा मिल जाता है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को, हर राजनीतिक पार्टी की ये एक कहीं ना कहीं ये एक ज़रूरत होती है, ये एक इच्छा होती है कि उसे भी उसे भी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता मिले। और ये मान्यता जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे देता है, ये मान्यता जो है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। और जैसे ही किसी पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उसके साथ बहुत सारी सुविधाएँ उसको खुद ब खुद मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले, जैसे ही कोई पार्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनती है उसके पास अपना एक पार्टी सिंबल हो जाता है। जैसे कि आप समझे कि पार्टी सिंबल का मतलब देखिए, जैसे बीजेपी के पास अपना एक पार्टी सिंबल है कि भाई उसके पास कमल का फूल है, या फिर समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ एज ए स्टेट पार्टी तो उसके पास साइकिल है उसका एक इलेक्शन सिंबल या उसका पार्टी सिंबल जो है। तो इस तरीके से उसके पास कोई भी पार्टी जो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में जिसको रिकग्नाइज किया जाता है तो उसके पास अपना एक पार्टी सिंबल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके साथ साथ जो स्टेट एंड टेलीविज़न या रेडियो होते हैं उसके अंदर उनको फ्री वेब ब्रॉडकास्ट मिल जाता है, यानी कि उनको अपनी जो बात है, अपना जो एजेंडा है उसको रखने का क्या मिलता है, मौका मिल जाता है, फ्री ब्रॉडकास्टिंग मिल जाती है टेलीविज़न और रेडियो पर। इसके साथ साथ इलेक्शंस, जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस को लेकर जो कंसल्टेशन है कि भाई इलेक्शंस कैसे हों, क्या हों, कैसे किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें, उनकी तारीखें, उनको लेकर भी क्या होता है, नेशनल या स्टेट पार्टीज़ की क्या होती है, उनकी एक इम्पॉर्टेंस उसके अंदर बन जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको कि नेशनल पार्टी का या स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसके साथ साथ उसको कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल
जो हमेशा से एक बेहतरीन सवालों में से एक रहा है, और ये सवाल है कि भाई नेशनल पार्टी किस तरीके से कोई पार्टी को क्या मिल सकता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, किस तरीके से कोई पार्टी नेशनल पार्टी कही जा सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। यहाँ पर आपको देख रही होंगी, राइट। और इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर जो है थर्ड, 3 कंडीशंस हैं, और अगर 3 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अकॉम्प्लिश कर रही है, पूरा कर रही है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जिसमें कि देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शंस के अंदर अगर कोई पार्टी कम से कम 2% सीट्स, राइट, अगर लोकसभा इलेक्शंस के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम लोकसभा की 2% सीट्स, और वो भी कहाँ से कम 3 अलग अलग स्टेट से अगर वो अचीव करती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में पहचान दी जा सकती है। 2% सीट लोकसभा में 3 अलग अलग स्टेट से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रही है, तो उसे नेशनल पार्टी के रूप में पहचान दी जा सकती है। इसके साथ दूसरा यहाँ पर आता है कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा इलेक्शंस के अंदर या फिर विधानसभा इलेक्शन के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब विधानसभा इलेक्शंस के अंदर स्टेट्स के अंदर जो होते हैं उसके अंदर टोटल जो वोट्स हैं, टोटल पोल्ड वोट्स जो हैं, जितने भी वोट डले उसके 6% अगर उसको राइट क्या मिलते हैं, वोटिंग परसेंटेज उसको मिलती है, और साथ के साथ उसके पास राइट क्या होती है, राइट, साथ के साथ उसके पास क्या होती है, 4 अगर लोकसभा सीट भी अगर उसके पास हो, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या किया जा सकता है, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन के अंदर डाले गए कुल मतों का 6% उसके पास वोट मिल रहा है, उसके साथ साथ उस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में 4 सीटें भी हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या किया जा सकता है, नेशनल पार्टी का कर दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद लास्ट एंड द थर्ड जो कंडीशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल पार्टी बनने का, वो ये है कि अगर किसी भी स्टेट पार्टी के पास, अगर किसी भी कोई भी स्टेट, कोई भी अगर पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको इस तरीके से कहें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसे 4 स्टेट्स के अंदर, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे अगर 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का राइट क्या है, दर्जा प्राप्त है, यानी कि 4 स्टेट के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी के रूप में काम कर रही है, तो उसे भी राइट क्या किया जा सकता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो 3 कंडीशन बहुत आसान भाषा में हमने समझने की कोशिश की कि वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है जिसमें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। जिसमें पहला हमने देखा कि भाई लोकसभा के अंदर 2% सीट्स, और वो भी 3 अलग अलग स्टेट से। दूसरा हमने देखा कि लोकसभा इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन के अंदर कम से कम डाले गए वोटों का 6% और 4 लोकसभा की सीट। और थर्ड, अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसको कि 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो इन 3 कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी हमने अभी जो किया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या उसके लिए राइट, क्या उसकी, मुझे कहना चाहिए, क्या उसकी बेसिक जो राइट जो नीड्स हैं वो कौन सी होंगी, तब जाकर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनेंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप समझ के चलिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल द नेशनल पार्टीज इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके नाम, हिंदुस्तान के अंदर जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनके नाम, उनका एस्टेब्लिशमेंट, पॉपुलरली उनको किस नाम से जाना जाता है, और उसमें एक एडिशनल हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि भाई ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं इनका जो इलेक्शन सिंबल है वो क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर सीरीज़ थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं इसको ओल्डेस्ट टू राइट मुझे कहना चाहिए कि बिल्कुल जो न्यू पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उस सीक्वेंस में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पुरानी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि INC के नाम से भी जाना जाता है। एस्टैब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885, राइट, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, राइट, ये भारत की क्या है, नेशनल पार्टी है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रीय दल है, प्रमुख राष्ट्रीय दल है। इसका जो
इसका जो चुनाव चिन्ह है यानी कि इलेक्शन सिंबल जो है वो है हाथ का पंजा। आप जानते ही होंगे हाथ का पंजा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, भारत की एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसको क्या है दर्जा प्राप्त है। इसके बाद 1885 यहाँ पर हो चुका है, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं डेट के केस में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसको याद रखिएगा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक और है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है CPIM, एस्टैब्लिशमेंट 7 नवंबर 1964 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो एक हैमर यानी कि हथौड़ा, इसके साथ साथ एक हैमर है, एक स्टार है, एक हैमर है, एक स्टार है, एक हैमर राइट, एक हैमर, एक स्टार और एक राइट गेहूँ को वो आपने देखा होगा दरार टाइप की जो एक चीज़ होती है जो फसल वगैरह काटने के काम आती है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है इलेक्शन सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी वो जाएगी इस समय की भारत की सबसे ज़्यादा राइट एक तरीके से क्रेडिबिलिटी रखने वाली राइट पॉलिटिकल पार्टी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, पॉपुलरली इसको BJP बोला जाता है। 6 अप्रैल 1980 का इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल का फूल यानी कि लोटस। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है लोटस है, इसका चुनाव चिन्ह जो है वो है लोटस। अभी करंटली अगर जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय राइट इंडियन गवर्नमेंट के अंदर भारत सरकार जो है वो राइट उसके अंदर जो लीडिंग पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर भी और बहुत सारे स्टेट्स जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट एक मजबूत पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के बाद तो नेक्स्ट यहाँ पर आती है बहुजन समाजवादी पार्टी BSP इसको बोला जाता है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 14 अप्रैल 1984 को किया जाता है। 14 अप्रैल 1984 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। इस समय इसकी जो सुप्रीमो है वो है सुश्री मायावती जी और इसका इलेक्शन सिंबल जो है वो है हाथी यानी कि एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट इसका क्या है चुनाव चिन्ह है। ये भारत की चौथी राइट यहाँ पर हमने नेशनल पार्टी के रूप में इसको देखा। इसके बाद 5th नंबर पर जो आती है वो आती है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसको आपके नाम से भी जाना जाता है। 26 नवंबर 2012 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, 26 नवंबर 2012 को इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू, इसका चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू और श्री अरविंद केजरीवाल जी इस पार्टी के राइट क्या है अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये है नेशनल पीपल्स पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी का जो नेशनल पीपल्स पार्टी जो है इसका इसको NPP के नाम से जाना जाता है, इसको NPP के नाम से जाना जाता है और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो होता है इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो होता है 6 जनवरी, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो होता है 6 जनवरी 2013 को, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 6 जनवरी 2013 को इसका क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट होता है। अगर बात की जाए इसके चुनाव चिन्ह की तो इसका चुनाव चिन्ह है बुक यानी कि किताब, इसका राइट क्या है चुनाव चिन्ह है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत के अंदर इस समय एग्जिस्टिंग 6 राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से कि हमने सबसे पहले हमने बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, देन हमने बात की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, देन हमने बात की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद यहाँ पर हमने बात की बहुजन समाजवादी पार्टी, देन आम आदमी पार्टी एंड लास्ट नेशनल पीपल्स पार्टी। आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा और नेशनल पार्टीज़ के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अब जो डाउट है वो डाउट नहीं रहा होगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, अपनी क्वेरीज़ को क्लियर करने के लिए राइट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे भी इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।